हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे अपने पास में। आज हम जो डीसीएम सीरीज का मेजर तीसरे वाले का अपने पास में सॉल्यूशन करवाएंगे, और इसके अंदर अपने पास में जो है फुल सिलेबस ये टेस्ट पेपर है। लगभग सभी चैप्टरों को कवर करते हुए ये पेपर बनाया गया है। न्यू पैटर्न पर है, जो अपने पास में नीट का नया पैटर्न लागू हुआ है वो पूरा इसमें अपने पास में एडजस्ट किया गया है। तो चलिएगा, अब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं बोटनी का। अपने पास में 151 से शुरू होकर के 200 तक अपने क्वेश्चन जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द मिसिंग वर्ड्स ए बी सी एंड डी एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, आपको इस क्वेश्चन में काफी अपने पास में हद तक जो है क्वेश्चन में सारी चीजें फ्रेम की गई है, आपकी फैमिली लगभग इसमें क्लियर हो जाती है। जो जैसे इनफ्लोरेंसिस हो जाता है, फ्लावर हो जाता है, स्टेमन हो जाता है, गाइनोशियम, ये ही चीजें कंफ्यूजन करती हैं। तो बेटा, जो पेपर अपने पास में रखा गया है उसका मेन उद्देश्य है कि आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कवर कराना। ठीक है, तो देखिएगा अपने पास में पहली फॉर्मूली है अपने पास में फावेसी, इसमें रेसिमोस टाइप का अपने पास में इन्फ्लोरेंसिस होता है। डियर, आप जानते हो अपने पास में दो टाइप का इन्फ्लोरेंसिस होता है, एक साइमोस एक रेसिमोस। तो अपने पास में रेसिमोस टाइप का इन्फ्लोरेंसिस होता है। दूसरा, इसके फ्लावर होते हैं वो कैसे होंगे? बी वाले में हम क्या भरेंगे बेटा? जाइगोमोर्फिक। जाइगोमोर्फिक क्यों है? क्योंकि अपने पास में इस टाइप के फ्लावर है और अपन इसको एक ही प्लेन से डिवाइड करेंगे तो ये टू पार्ट्स में डिवाइड होंगे, एक से ज्यादा प्लेन से हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए जाइगोमोर्फिक कंडीशन इसको बोलेंगे। नेक्स्ट है अपने पास में सी पॉइंट, वो लिलियसी फैमिली में आपको बिलोंग करता है और आपको पता है कि लिलियसी में एपिफिलस कंडीशन पाई जाती है। डियर, एपिफिलस कंडीशन में अपने पास में तो थ्री और थ्री की कंडीशन होती है, तो थ्री प्लस थ्री वाली कंडीशन ही इसमें देखने को मिलती है। और अपने पास में गाइनोशियम की बात करें डी, तो गाइनोशियम जो है फाबेसी फैमिली में वो मोनोकार्पलरी गाइनोशियम होती है। तो आंसर विल बी फर्स्ट। ठीक है भाई, तो आंसर अपने पास में क्या हो जाएगा? फर्स्ट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको, द ऑर्गेनिक सबस्टेंस प्रेजेंट इन मेसोफिल सेल आर पास्ड इनटू द सीव ट्यूब थ्रू देयर कंपेनियन सेल बाय। देखो बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें भी इन्फॉर्म अच्छा किया गया है। आपको पता है कि जिस तरह से जाइलम अपने फ्लोएम का ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसमें अपने पास में ये तो क्या है, सीव सेल है, और ये अपने पास में कौन सी सेल है? कंपेनियन सेल। डियर, आपको बताया कि दो प्रोसेस होते हैं। एक प्रोसेस होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, लोडिंग प्रोसेस बोलते हैं। लोडिंग प्रोसेस में अपन क्या करते हैं बच्चों, आपको पता है कि लोडिंग जो प्रोसेस होता है इसके अंदर हम जो सुक्रोज होता है उसको सीव सेल में ट्रांसफर करते हैं कंपेनियन सेल से। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे बच्चों? लोडिंग। और ये अपने पास में एटीपी खर्च करके ये प्रोसेस कंप्लीट होता है, इसलिए ये प्रोसेस कैसा हो गया? एक्टिव प्रोसेस हो गया। यहाँ पर हम सिंक पर अपने पास में उसको क्या करेंगे, सुक्रोज को ट्रांसफर करेंगे, तो ये प्रोसेस कहलाएगा अनलोडिंग। और इसके अंदर भी बच्चों हम क्या करते हैं, एटीपी को खर्च करते हैं। ठीक है, तो लोडिंग और अनलोडिंग दोनों ही प्रोसेस अपने पास में क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन है। क्लियर हो गया? तो लोडिंग और अनलोडिंग दोनों ही प्रोसेस अपने पास में एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन है। डियर, सिंपल डिफ्यूजन होगा नहीं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगा नहीं, क्योंकि कोई प्रोटीन अपने पास में इसमें जो है वो हेल्प कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग, फैसिलिटेटेड में हम क्या कहते हैं कि प्रोटीन हेल्प करते हैं, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग सबस्टेंस का ट्रांसफर होता है। यहाँ पर फोर्स से सबस्टेंस का ट्रांसफर होता है। तो आंसर विल बी फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर, ये फिजियोलॉजी से आपका क्वेश्चन था। अब हम आगे चलते हैं। अब अपने पास में आता है क्वेश्चन नंबर 153। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखने की कोशिश कीजिएगा। द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैन बी मैथमेटिकली एक्सप्रेस्ड एज। भाई, एक्सपोनेंशियल जो ग्रोथ है इसकी इक्वेशन क्या होगी? तो आपको पता है बच्चों, ग्रोथ जो होती है वो अपने पास में लॉजिस्टिक होती है या अपने पास में एक्सपोनेंशियल होगी। तो अपने पास में देखिएगा, इसकी इक्वेशन अगर हम देखें तो इस तरह से बनेगा ये। तो अपने पास में क्या हो जाएगा, W बराबर W नॉट e की पावर RT। क्या हो जाएगा? W बराबर W नॉट e की पावर RT। ठीक है, ये NCERT के अंदर बिल्कुल आपके जो लिखा हुआ है लाइन वही वहां से अपने पास में उठाई गई है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, पहला है स्टेटिन। डियर, स्टेटिन जो है अपने पास में, स्टेटिन अपने पास में ऑब्टेन होता है किससे? मोनस्कस परप्यूरस से। ठीक
ठीक है। स्टेटिन अपने पास में ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए काम आता है, मॉन्सकस परप्यूरस से ऑप्टेन होता है। स्विस तो इसमें अपने पास में हम लगा देंगे ई। स्विस चीज जो है अपने पास में प्रोपोनी बैक्टीरियम सार्मेनाई से प्राप्त होता है, ये बैक्टीरिया से होता है स्विस चीज, और अपने जो लार्ज पोर हैं उनके कारण से अपने पास में काफी प्रसिद्ध भी है। साइक्लोस्पोरिन ए है, ये आपको पता है इम्यून सरप्रेसिव ड्रग्स है, और अपने पास में किससे ऑप्टेन होती है, ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम से ऑप्टेन होती है, जो किसका मेंबर है डियर, ड्यूटेरोमाइसिटीज का मेंबर है। किसका मेंबर है, ड्यूटेरोमाइसिटीज का, ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम, उससे अपने पास में साइक्लोस्पोरिन ए प्राप्त होती है। नेक्स्ट है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड एस्परजिलस नाइगर से हमें ऑप्टेन होता है, और बच्चों आप सिंपल सी बात जानते हो, सिट्रिक एसिड जो होता है ये एस्परजिलस नाइगर से ऑप्टेन होता है, और एस्परजिलस नाइगर एक वीड है, ठीक है। आप किसी को भी लेबोरेटरी में ग्रोथ करवाना चाहोगे तो एस्परजिलस नाइगर एबनॉर्मली वहां पर क्या कर जाएगा, ग्रोथ कर जाएगा, इसलिए अपन उसको अपने पास में लेबोरेटरी वीड्स के नाम से जानते हैं, तो वो इससे एस्परजिलस नाइगर से हो गया। और क्लॉट बूस्टर जो है स्ट्रेप्टोकाइनेज है, ठीक है। स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या है, क्लॉट बूस्टर, और अपने पास में इसको किससे ऑब्टेन किया जाता है, स्ट्रेप्टोकोकस से। बड़े महंगे इंजेक्शन आते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेज के, और जो हार्ट पेशेंट होते हैं उनके लिए अपने पास में लगाए भी जाते हैं। तो ये हो गया बच्चों अपने पास में, इसमें अगर हम मैच करेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन अपने पास में मैच हो जाता है, क्लियर है। नेक्स्ट अपन 140 अपने पास में 55 की बात करते हैं, तो 155 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट आपको, इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहां पर आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। पहला है बर्ड्स एंड मैमल्स बिलोंग टू कैटेगरी ए। डियर आपको ये डायग्राम जो है एनसीईआरटी में आपके बहुत अच्छे से दे रखा है, आप वहां से ये डायग्राम देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ए जो है ये अपने पास में कौन है बेटा, ये अपने पास में टेम्परेचर हो या कोई भी चीज हो उसको अपने पास में क्या करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। इनका टेम्परेचर एनवायरमेंट के हिसाब से चेंज नहीं होता, तो दैट इज रेगुलेटर। ये क्या है अपने पास में, रेगुलेटर है, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या हो गए, रेगुलेटर। बी वाले क्या है डियर, अपने पास में एक टाइम तक कोशिश करते हैं कि उनका टेम्परेचर एनवायरमेंट के टेम्परेचर से मेंटेन रहे, लेकिन जब परिस्थितियां खराब हो जाती हैं तो या तो वहां से भाग जाते हैं या फिर अपने पास में सब कुछ छोड़कर इनएक्टिव स्टेज में आ जाते हैं, क्लियर है। क्या तो भाग जाओ ये भाई, आपकी जब तक आप किसी चीज को मेंटेन कर पा रहे हो मेंटेन करो, जब मेंटेन नहीं होते या तो भाग जाओ या फिर अपने पास में समर्पण कर दो। तो ये दो ही काम ये करते हैं, या तो भाग जाते हैं या समर्पण करते हैं। तो ये पार्टली रेगुलेटर या अपने पास में क्या कहलाते हैं बेटा, पार्टली कॉन्फर्मर कहलाते हैं, ठीक है। और सी वालों को कोई मतलब नहीं है, क्यों एनर्जी खर्च करना, जैसा एनवायरमेंट वैसे अपन, ठीक है। तो एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद को जो अपने पास में चेंज कर लेते हैं वो अपने पास में क्या कहलाते हैं, कॉन्फर्मर। तो ये किसके अंदर आते हैं बेटा, कॉन्फर्मर के अंदर। तो ये तीन कैटेगरी है हमारे पास में, और इनका अब एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला अपने पास में बर्ड्स और मैमल्स बिलोंग कैटेगरी ए, बिल्कुल सही बात है, आपको कहा भी जाता है और एनसीईआरटी एक लाइन मेंशन करती है, कहती है कि मैमल्स और बर्ड्स की सफलता का राज यही है कि वो चाहे पोलर पे रहे चाहे अपने पास में किसी वार्म एरिया में, वो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं। तो क्लियर है, फर्स्ट अपने पास में करेक्ट है। दूसरा है एनिमल इन कैटेगरी बी ऑलवेज मेंटेन कॉन्स्टेंट इंटरनल एनवायरमेंट। कैटेगरी बी वाले अपने पास में हमेशा कॉन्स्टेंट एनवायरमेंट नहीं बना सकते, उनका एनवायरमेंट क्या हो जाता है, एक टाइम के बाद में चेंज हो जाता है, तो ये अपने पास में रॉन्ग हो गया। थर्ड है ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ एनिमल इन कैटेगरी सी चेंज अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशन, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, सी की अपने पास में कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, तो रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा हो गया, सेकंड। तो आंसर विल बी सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, 156 बाइकार्पलरी सिनकार्पस गाइनोसियम नॉट फाउंड इन, ठीक है बच्चों। तो अपने पास में ये एक कैटेगरी का अपने पास में क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन अपने पास में नीट से भी पूछे जाते हैं, और ये एनसीईआरटी बेस्ड है कंप्लीट, ठीक है। अपने पास में आपको पता है बेलाडोना है, सोलेनम है, पिटूनिया है, ये सोलेनेसी फैमिली के मेंबर है और उसमें ये कंडीशन पाई जाती है। कोल्चिकम लिलियसी फैमिली का मेंबर है, इसकी ओवरी जो होती है डियर वो क्या होती है अपने पास में, ट्राईकार्पलरी। कैसी होती है,
ट्राइकार्पलरी, तो दैट मींस अपने पास में आंसर क्या हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 157 की, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ठीक है, आपसे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है, तो आप देखेगा इन पाइनस मेल गैमेटोफाइट इज फ्री लिविंग। बच्चों पाइनस जो है वो किसका मेंबर है, पाइनस जिम्नोस्पर्म है, और जिम्नोस्पर्म में आपको पता है कि अपने पास में गैमेटोफाइट फ्री लिविंग होता ही नहीं है, स्पोरोफाइट अपने पास में क्या होता है फ्री लिविंग। दैट मीन्स अपने पास में ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, मेल गैमेटोफाइट इज फ्री लिविंग, मतलब अपने पास में मेल गैमेटोफाइट फ्री लिविंग नहीं होता। नेक्स्ट है द स्पोरोफाइट ऑफ पॉलीट्राइकम इज मोर डेवलप्ड देन दैट इन मार्केंसिया। ठीक है, तो मार्केंसिया जो है डियर अपने पास में वो क्या है, वो अपने पास में लिवरवर्ट है, और पॉलीट्राइकम जो है वो अपने पास में क्या है, मॉस है। और आपको पता है, मैं आपको आज ही एक बात यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ क्वेश्चन के माध्यम से, तो आप उसको बड़े ध्यान से देखना बेटा। सबसे पहले अपने पास में एल्गी जो है इनका डेवलपमेंट माना जाता है, और लास्ट में डेवलपमेंट माना जाता है किसका, एंजियोस्पर्म का। ठीक है, तो एल्गी से अपने पास में प्रोसेस चलता है और अपने पास में कहाँ तक आया है, एंजियोस्पर्म तक। तो एल्गी के अंदर गैमेटोफाइट सबसे ज्यादा डेवलप था, और स्पोरोफाइट जो था वो अपने पास में क्या था, लास्ट डेवलप था। ठीक है, तो गैमेटोफाइट मोर डेवलप, स्पोरोफाइट लास्ट डेवलप, और इधर अपने पास में एंजियोस्पर्म में आ जाते हैं, तो स्पोरोफाइट जो है वो अपने पास में क्या हो जाता है, मोर डेवलप, और गैमेटोफाइट जो है वो अपने पास में क्या हो जाता है डियर, लेस डेवलप हो जाता है। क्लियर है। अब इसके बीच में कई ऐसी कंडीशन आएगी जब दोनों अपने पास में क्या होंगे, बराबर डेवलप होंगे, और वो कंडीशन किस में होती है, टेरिडोफाइटा में। तो इस स्टेटमेंट को आपने क्लियर किया सेकंड वाला, तो अपने पास में स्पोरोफाइट ऑफ पॉलीट्राइकम इज मोर डेवलप, बिल्कुल सही बात है भाई। ब्रायोफाइटा में लिवरवर्ट पहले आते हैं, मोसेज बाद में आते हैं, दैट मींस मोसेज का मोर डेवलप है। वुल्फिया इज द स्मॉलेस्ट नॉन एंजियोस्पर्म, एनसीईआरटी की लाइन है, बिल्कुल अपने पास में लिखा हुआ है, वुल्फिया इज द स्मॉलेस्ट अपने पास में नॉन एंजियोस्पर्म है, जो माइक्रोस्कोपिक है, और सबसे खास बात ये पानी में रहता है, वो एक्वेटिक है, अपने पास में प्लांट है। साल्विनिया इज हेट्रोस्पोरस, ये बहुत अच्छा आपके पॉइंट उठाया है यहाँ पर, साल्विनिया हेट्रोस्पोरस, आपको हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट याद रखने होंगे, एजोला मार्सिलिया वाला, ठीक है, साल्विनिया और स्नेजिनेला, तो ये अपने पास में क्या है, हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट है, जिनमें सीड हैबिट प्रेजेंट होती है। ठीक है डियर, तो फर्स्ट अपने पास में क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, तो आंसर तो फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट है अपने पास में क्वेश्चन 158, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेजिस्टेंट टू एंजाइम एक्शन। क्लियर है, एंजाइम एक्शन के लिए मोर रेजिस्टेंट कौन होगा डियर, आपको पता है कि जो पोलन ग्रेन जो है ये अपने पास में, इसकी एंजाइम की बात करें, देखो अपन सेल की तो कोई बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि सेल तो एंजाइम के अगेंस्ट रेजिस्टिविटी ज्यादा शो नहीं करती है। ठीक है, पोलन इंटाइन और पोलन एंजाइम की बात करते हैं, क्योंकि ये वोल है, इसमें पाया जाता है आपको पता है स्पोरोपोलेनिन, क्या पाया जाता है, स्पोरोपोलेनिन। और आप जानते हो आज तक अपने पास में कोई ऐसा एंजाइम डिस्कवर नहीं हुआ जो स्पोरोपोलेनिन को क्या कर सके, डिग्रेड कर सके, उसको खत्म कर सके। तो मोर अपने पास में रेजिस्टिविटी किस में होगी, पोलन एक्जाइन में होगी। इंटाइन तो आपको पैक्टोसेलुलोज की बनी हुई है, तो सेलुलेज एंजाइम उसको क्या कर देगा, डिग्रेड कर देगा। तो आंसर विल बी फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 159 में देखेगा, विच टाइप ऑफ पॉपुलेशन एंड एज पिरामिड आर रिप्रेजेंटेड बाय पॉपुलेशन हैविंग इक्वल नंबर ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल एंड फ्यूअर पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल। ठीक है, तो देखिएगा डियर, ये एज पिरामिड है, मैं इनको आपको समझा देता हूँ। एज पिरामिड में आप कभी भी तीन चीजें होती है उसमें, एक तो आते हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव, ठीक है, जो रिप्रोडक्शन कर चुके वो पॉपुलेशन नहीं बढ़ा सकते। एक आते हैं अपने पास में कौन, रिप्रोडक्टिव, ठीक है, जो एट प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, एट प्रेजेंट कर रहे हैं। और एक कौन है डियर, प्री रिप्रोडक्टिव, जो आने वाले टाइम पर पॉपुलेशन पैदा करेंगे। ठीक है, तो तीन कंडीशन आई, पोस्ट वाले कोई अपने पास में पॉपुलेशन को इंक्रीज करने में उनका कोई रोल नहीं होगा, उन्होंने जो काम था वो कर चुके। दूसरे वाले अपने पास में रिप्रोडक्टिव वाले एट प्रेजेंट कर रहे हैं, तीसरे आएंगे वो प्री रिप्रोडक्टिव आएंगे, अब वो आगे आने वाले टाइम में अपने पास में रिप्रोडक्शन करेंगे। अगर प्री रिप्रोडक्टिव ज्यादा हुए तो ये बेस ग्राफ जो है अपने पास में
ये थोड़ा सा क्या आ जाएगा डियर, यहाँ से बढ़ा जाएगा, ऐसे ऐसे आ जाएगा, ठीक है। कम हुए, कम हुए तो ये थोड़ा सा क्या आ जाएगा, छोटा आ जाएगा, और बराबर हुए तो बात अलग ही है। तो अपने पास में अगर ज्यादा हुए तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, कम होंगे तो पॉपुलेशन क्या होगी, डिक्रीज, और बराबर ही होंगे प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव तो अपने पास में पॉपुलेशन क्या होगी बेटा, स्टेबल। तो डियर यहाँ पर सिंपल सी बात क्लियर होती है अपने पास में कि हमें कभी भी ग्राफ आए पॉपुलेशन का तो दो चीजें मेजर करनी है, एक तो देखना है कि रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल कितने हैं और उसके बाद में देखना है कि प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल कितने हैं। तो रिप्रोडक्टिव और प्री रिप्रोडक्टिव को देख करके हम मेंशन कर लेंगे। तो अब आपके पास में ये कह रहा है कि रिप्रोडक्टिव और प्री रिप्रोडक्टिव का नंबर इक्वल है, और नंबर इक्वल है तो पॉपुलेशन अपने पास में क्या होगी, स्टेबल पॉपुलेशन विद एज पिरामिड। क्लियर हो गई, पॉपुलेशन अपने पास में कैसी होगी, स्टेबल। नेक्स्ट हम बात करते हैं 160 नंबर क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड ट्रू फॉर मोनेरा। ठीक है, अपने पास में मोनेरा के लिए सही क्या है, तो देखिएगा बच्चों, मोनेरा एक किंगडम है RHVTech करके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में, और आपको पता है कि मोनेरा में प्रोकैरियोट रखा था। ठीक है, RHVTech ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बनाया तो उन्होंने कहा कि दुनिया के जितने भी प्रोकैरियोट है वो सब मोनेरा में आ जाओ, जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट है एक्सेप्शन ईस्ट, सब किस में आ जाओ, प्रोटिस्टा में। तो मोनेरा के अंदर ऑल प्रोकैरियोट रखा था तो उनके अंदर न्यूक्लियस तो प्रेजेंट ही नहीं होता, तो एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट समटाइम्स, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। सेल वॉल कंटेंट स्पोरोपोलिनिन, नहीं बच्चों, ये अपने पास में पेप्टिडोग्लाइकेन की होती है, तो ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। दे मे बी ऑटोट्रोपिक एंड हेटरोट्रोपिक, आपको पता है मेटाबोलिक डाइवर्सिटी मैक्सिमम किस में होती है, मोनेरा में होती है, एक लाइन एनसीईआरटी लिखी है ना, तो अपने पास में उसमें सभी तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है, दैट मींस, तो ये अपने पास में हो गया। ATS राइबोसोम नहीं होता है प्रोकैरियोट में, कौन सा राइबोसोम पाया जाता है, 70S राइबोसोम पाया जाता है। क्लियर हो गया, 160 क्लियर हो गया। नेक्स्ट की बात करते हैं तो अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इंक्लूड ओनली ex-situ मेथड ऑफ बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन। इकोलॉजी से क्वेश्चन है आपका, आपको बताया कि बायोडायवर्सिटी जो है उसके कंजर्वेशन के अलग अलग मेथड है, ex-situ और in-situ दो मेथड है। ex-situ मेथड में हम क्या करते हैं कि किसी एक ऑर्गेनिज्म को कंजर्व करना है ना, उसको उठा लो और दूसरी जगह लेकर के चले जाओ, तो ऑर्गेनिज्म को उठा करके दूसरी जगह लेकर के जाते हैं तो वो मेथड अपने पास में क्या कहलाता है, ex-situ। और in-situ में क्या कर रहा है, किसी एक ऑर्गेनिज्म को कंजर्व करना है तो पूरा का पूरा वो इलाका ही कंजर्व कर दो। सिंपल सा, आप ex-situ और in-situ में एक चीज ध्यान रखो, आपको पढ़ने के लिए CLC सीकर आना है तो ex-situ हो गया, आप किसी भी जगह से निकल करके और CLC सीकर आ रहे हो, दैट मीन्स ex-situ, और अभी आप ऑनलाइन घर रह करके पढ़ाई कर रहे हो वो अपने पास में कौन सी हो गई, in-situ। तो घर छोड़ना पड़ रहा है ex-situ, घर रह रहे हो in-situ, अब वो किसी के भी रेस्पेक्ट में हो सकता है, आप कंजर्वेशन के रेस्पेक्ट में देख सकते हो, स्क्रेड प्लांट, ठीक है, होम गार्डन, हॉट स्पॉट, इसमें अपने पास में जो है in-situ का है बेटा, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व जो है in-situ का एग्जाम्पल है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो in-situ का एग्जाम्पल है। अब अपने पास में जूलॉजिकल पार्क जिसे आप चिड़ियाघर बोलते हो, ex-situ है कि नहीं है, भाई शेर को हमने कहाँ से जंगल से उठाया और कहाँ रख दिया, ह्यूमन की देखरेख में रख दिया, ठीक है। क्रायोफिजर्वेशन जिसमें हम जैसे आपने क्या किया, क्रायोफिजर्वेशन में हम स्पर्म वगैरह को भी अपने पास में ट्रांसपोर्ट करते हैं या सीड वगैरह को रख लेते हैं, तो ex-situ कंजर्वेशन है। और बॉटनिकल गार्डन हम कॉलेज में लगाते हैं, तो जहाँ कॉलेज है वहाँ पर अपने गार्डन लगाया, बॉटनिकल गार्डन, दैट मीन्स ex-situ कंजर्वेशन। तो फोर्थ आंसर अपने पास में हो गया, क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स ट्रू फॉर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए क्या ट्रू है, पहला है इट्स सेपरेट DNA फ्रेगमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, DNA फ्रेगमेंट को साइज के बेसिस पर सेपरेट नहीं करती है, दुनिया भर का कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में होता है, इसलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन डाला गया है आपके लिए। देखो बेटा, अपने पास में ये जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस की जो मशीन है इसमें चार्ज्ड होना जरूरी है, मॉलिक्यूल जिसे हम सेपरेट कर रहे हैं वो मॉलिक्यूल चार्ज्ड होना जरूरी है, तो इसमें क्या होता है कि एक्चुअल लाइन ये होती है, चार्ज्ड मॉलिक्यूल सेपरेट ऑन बेसिस ऑफ देयर साइज,
ठीक है, मॉलिक्यूल चार्ज होना जरूरी है, लेकिन मॉलिक्यूल के ऊपर कितना चार्ज है ये मैटर नहीं करता। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया, चार्ज के बेसिस पे नहीं। ठीक है, स्मॉलर डीएनए फ्रेगमेंट मूव स्लोवर, नहीं भाई, आप एक कमरे में बड़ा सा लिक्विड भर दो, ठीक है, जेली टाइप, गोंद टाइप, और उसमें आप भागने को बोलो, तो जो बड़ा आदमी होगा वो तो धीरे भागेगा और जो छोटा होगा वो अपने पास में जल्दी निकल जाएगा, क्योंकि उसको फोर्स कम लगाना पड़ेगा। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट कैन बी सीन बाय स्टेनिंग देम विद इथिडियम ब्रोमाइड। बिल्कुल सही बात है बेटा, ईटीबीआर से हम वॉयलेट जो है कलर अपने पास में उसको देखते हैं अल्ट्रा वायलेट में, और हमें ये दिखाई देती है। ठीक है, तो ये अपने पास में सही बात है। दे बीइंग पॉजिटिवली चार्ज मूव टूवर्ड कैथोड एनोड। ठीक है, तो ये अपने पास में थर्ड ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, तो वन इसमें अपने पास में थर्ड ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 163, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेंसिस ए सोइल बैक्टीरियम कॉजेज क्राउन गोल ट्यूमर इन मोनोकोट। एनसीईआरटी की लाइन है बच्चों, सीधा लिखा हुआ है कि किसमें कॉज करता है, डाइकोट्स में। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी की लाइन है, स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, आंसर अपना मिल गया। तो और बाकी की बात करते हैं। फ्लेवर सेवर टोमेटो आर जेनेटिकली मॉडिफाइड, बिल्कुल सही बात है, जीएमओ है अपने पास में। क्यों है, जीएमपी बोल दो आप, वैसे तो प्लांट है। क्यों है, क्योंकि अपने पास में इसमें जो जीन हमारे को प्लांट के अंदर जो फ्रूट को रेपल करती है उसको इनहिबिट किया गया है। गोल्डन राइस आर जेनेटिकली इंजीनियर्ड राइस विद ग्रेटर प्रो विटामिन ए कंटेंट। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा है। देखो कई बच्चों को यहाँ पर कंफ्यूज होगा, प्रो विटामिन सर रॉन्ग हो सकता है। नहीं बेटा, हमने यही कहा है कि भाई अपने पास में जो है उसके अंदर बीटा कैरेटिन की जीन डाली है, इसलिए अपन उसको प्रो विटामिन कंटेंट के रूप में हम लेते हैं। तो ये अपने पास में स्टेटमेंट क्या है, राइट है। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी राइट है। नेक्स्ट है, बीटी टॉक्सिन प्रोटीन अकर एज इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन एंड व्हेन एन इंसेक्ट इंजेस्ट इट गेट्स कन्वर्ट इनटू द एक्टिव फॉर्म। बिल्कुल सही बात है, बीटी टॉक्सिन जो है मिडगट में जाकर के अपने पास में क्या हो जाती है बेटा, एक्टिव में चेंज हो जाती है, और आपको पता है पोर का फॉर्मेशन करती है। तो आंसर विल बी फर्स्ट। 164 की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट विद रिगार्ड टू यूकैरियोटिक एचएनआरएनए, हेटरोन्यूक्लियर आरएनए, एचएनआरएनए की बात कर रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से फिर एक अपने पास में एक क्वेश्चन डिजाइन किया गया है। ठीक है, एडिशन ऑफ एन अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मिथाइल गुआनोसिन एमजी कैप, ठीक है, बोलते हैं कि नहीं बोलते, एट 5 days एंड ऑफ एचआरएनए इज कॉल्ड कैपिंग। क्या कहलाती है डीआर अपने पास में, ये कैपिंग, और आंसर में क्या दे रखा है, टेलिंग, तो दैट इज रॉन्ग। ठीक है, दूसरा है, आपसे पूछा क्या है, उसने करेक्ट पूछा है। ठीक है, एडिशन ऑफ एडिनाइल रिड्यूस्ड एट 3 days एंड ऑफ एचआरएनए इज कॉल्ड कैपिंग, ये क्या कहलाती है डीआर, टेलिंग। हम क्या करते हैं अपने पास में 200 अपने पास में एडिनिन जोड़ देते हैं 3 days एंड पर, यह कहलाएगी टेलिंग। क्यों करते हैं कैपिंग और टेलिंग, क्योंकि आपको पता है जो बॉडी के लिए एमआरएनए होता है ना डियर, एमआरएनए क्या होता है, एक सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, बॉडी उस फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं करती है। बॉडी किसको एक्सेप्ट करती है, डबल स्टैंडर्ड चीजों को, क्योंकि डीएनए अपने पास में उसको वो चीज देगी, तो डब्ल्यूबीसी उनको अटैक करके खत्म करने के चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, इसलिए उसके ऊपर ठप्पा लगाया जाता है, पहचान लगाया जाता है, उसको टेल और अपने पास में कैप लगा करके बाहर निकाला जाता है ताकि डब्ल्यूबीसी उसे पहचान सके। ठीक है, आगे है, रिमूवल ऑफ एक्सॉन फ्रॉम एचएनआरएनए कॉल्ड स्प्लाइसिंग। इंट्रॉन को हटाते हैं, एक्सॉन तो अपने पास में फंक्शनल पार्ट होता है, इंट्रॉन को हटाते हैं, दैट इज रॉन्ग। तो 3 रॉन्ग हो गए, अब अपने पास में 4 है। आफ्टर प्रोसेसिंग ऑफ एचएनआरएनए फंक्शन एज एमआरएनए एंड इज ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द न्यूक्लियस इन द साइटोप्लाज्म। आपको पता है प्रोटीन सिंथेसिस जो होती है वो साइटोप्लाज्म में होती है, इसलिए इसको कहां पर ट्रांसफर किया जाता है, साइटोप्लाज्म में। ओके,
164 के बाद में 165, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब इसमें पहला पूछा है, ए क्लोन इज द ग्रुप ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल एंड इज ऑलवेज डेवलप थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रॉन्ग हो गया, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अपने पास में जो आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं, क्लोन। पपाया एंड डेड पालम आर डायसियस प्लांट। ठीक है, ये अपने पास में डायसियस प्लांट है, सही बात है। देखो बेटा, आपको BHEM, बाइसेक्सुअल हर्मोफ्रोडाइल और मोनोसियस, ये एक तरह के प्लांट होते हैं, और DU, यूनिसेक्सुअल और डायसियस, ये एक तरह के प्लांट होते हैं। ऐसे फ्लावर जिसमें मेल या फीमेल हो क्या कहलाएंगे, यूनिसेक्सुअल। और यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो प्लांट रखेगा वो क्या कहलाएगा, डायसियस प्लांट। ठीक है, तो वो अपने पास में NCERT के एग्जाम्पल है। आगे द कार्पल इज होमोलोगस ऑफ मेगा स्पोरेंजियम। कार्पल एंड पिस्टल जो है ये फ्लावर के पार्ट है, और फ्लावर इज ए मॉडिफाइड स्टेम एंड फ्लोरल पार्ट इज द मॉडिफाइड लीफ। तो दैट मीन्स ये तो लीफ हो गई, तो ये स्पोरोफिल हो गई, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। आगे इंटर इनकॉम्पेबिलिटी प्रिवेंट फ्री क्रॉस पोलिनेशन अमोंग मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। बिल्कुल सही बात है, जो अपने पास में इंटर स्पेसिफिक अपने पास में होती है वो क्या करेगी, क्रॉस पोलिनेशन को प्रिवेंट करेगी। सेल्फ इनकॉम्पेबिलिटी क्या करती है बेटा, सेल्फ पोलिनेशन को प्रिवेंट करती है, और इंटर अपने पास में क्या करेगी, क्रॉस पोलिनेशन को प्रिवेंट करेगी। दैट मीन्स अपने पास में करेक्ट हो गया सेकंड और फोर्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 166 की। इफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ डोमेस्टिक सीवेज इज कॉन्टिन्यूसली एम्पाइड इनटू ए स्मॉल स्ट्रीम इट विल लीड टू। ठीक है भाई, हमने लार्ज क्वांटिटी को छोड़ा है अपने पास में तो क्या होगा, देखो बेटा जहां पर आपको NCERT के डायग्राम से क्वेश्चन है, जो BOD का ऐसा डायग्राम बना करके दे रखा है ना आपको, वहां से ये क्वेश्चन उठाया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको आपको करने की गलत होने के कोई चांस नहीं है। तो जहां पर आपको क्या करना पड़ रहा है भाई, आपको कह रहा है लार्ज क्वांटिटी ऑफ डोमेस्टिक स्वेज की हम छोड़ रहे हैं, डोमेस्टिक स्वेज छोड़ रहे हैं तो उसमें ऑर्गेनिक मैटर आएगा, और ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करने के लिए अपने पास में क्या आएगा, BOD वहां पर क्या हो जाएगी, इंक्रीज, जिसकी वजह से अपने पास में डिजोल्व ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो अपने पास में हम क्या बोलेंगे, डिप्लेशन ऑफ ऑक्सीजन कंटेंट इन स्ट्रीमिंग वाटर। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब हम ये डिप्लेशन नहीं होगा, न्यूट्रिएंट वैल्यू इंक्रीज होगी। ठीक है, ऑक्सीजन कंटेंट कभी इंक्रीज नहीं हो सकता। इंक्रीज इन टोटल अमाउंट ऑफ लाइफ इन स्ट्रीम वाटर, भाई टोटल अमाउंट ऑफ लाइफ इंक्रीज नहीं होगा, लेकिन बैक्टीरिया जरूर इंक्रीज हो जाएंगे, बाकी अदर जो अपने पास में ऑर्गेनिज्म है उनकी लाइफ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो आंसर विल बी फर्स्ट। ठीक है भाई, 67, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दो, एक चैप्टर अपने पास में ETS वाला और एक चैप्टर अपने पास में कौन सा, मिनरल्स वाला, दो चैप्टरों के बीच कर मिला करके कंबाइंड क्वेश्चन उठाया गया है। तो देखिएगा, द डेफिशिएंसी ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट नॉट ओनली अफेक्टेड प्लांट ग्रोथ बट ऑल्सो वाइटल फंक्शन सच एज फोटोसिंथेसिस। डियर ध्यान देना, फोटोसिंथेसिस, इसका मतलब बात क्लोरोफिल पर जाएगी, कहाँ पर जाएगी, क्लोरोफिल पर जाएगी। दूसरा है एंड माइट्रोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन फ्लो, इसका मतलब माइट्रोकॉन्ड्रियल कॉम्प्लेक्स पर जाएगी। और आपको पता है एक कॉम्प्लेक्स होता है फोर्थ, जिसमें साइटोक्रोम ए और साइटोक्रोम A3 प्रेजेंट होते हैं, और डियर आपको पता है साइटोक्रोम ए और साइटोक्रोम A3 जो है ये कॉपर सेंटर रखते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है अमोंग द लिस्ट गिवन बिलो विच ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट शैल इफेक्ट मोस्ट बोथ फोटोसिंथेसिस एंड माइट्रोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो अब सिंपल सी बात है बच्चों, भाई क्लोरोफिल की बात करें तो क्लोरोफिल के लिए अपने पास में सिंथेसिस के लिए हमें MN और FE रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो MN और FE तो हमारे पास में क्लोरोफिल के सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड है, और यहाँ कॉपर की बात होगी तो आंसर विल बी 4। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फिर बता रहा हूँ, कभी नीट अपने पास में थोड़े से अपने पास में लेवल पर जाएगा तो दो चैप्टरों से मिक्स होकर के क्वेश्चन आएंगे बच्चों, और उसका एक अच्छा एग्जाम्पल ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 168 की। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट वन। ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज ए टेक्निक यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस बेस्ड ऑन देयर साइज। ठीक है,
फिर बता रहा हूँ भाई, अपने पास में साइज पर बेस्ड होते हैं। अब इसमें ये मेंशन नहीं किया है कि चार्ज सबस्टेंस, ठीक है, तो इसको अपन करेक्ट ही मान करके चलेंगे, क्योंकि अपने पास में अगर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम सबस्टेंस डाल रहे हैं तो वो कैसे होंगे, चार्ज ही होंगे, ठीक है। तो साइज के बेस्ट पे करते हैं, बिल्कुल सही बात है। प्लाज्मिड आर स्मॉल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, ये बिल्कुल सही बात है, ये भी सही बात है। सिंगल स्टैंडर्ड नहीं बेटा, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, ठीक है। तो रेप्लिकेट ऑटोमेटिक होता ही है, रॉन्ग हो गया डबल स्टैंडर्ड का। इकोआर फर्स्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम इकोलाई स्ट्रेन आर वाई 1/3, बिल्कुल सही बात है, स्ट्रिया कोलाई आर वाई 1/3 से ऑब्टेन किया गया, ठीक है। इट इज द सेकेंड एंडोन्यूक्लियस, नहीं भाई ये सेकेंड एंडोन्यूक्लियस नहीं था, फर्स्ट एंडोन्यूक्लियस हिंट सेकेंड था और हिंट फर्स्ट उसी में ऑब्जर्व किया गया था, तो फर्स्ट अपने पास में आ जाता है, तो इसका मतलब अपने पास में करेक्ट ऑप्शन जो है वो फर्स्ट हो जाएगा, तो आंसर अपने पास में क्या हो जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट आता है डियर 169 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेवलप्ड बाय म्यूटेशन ब्रीडिंग। म्यूटेशन ब्रीडिंग के से अपने पास में किसको डेवलप किया गया, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है और इसमें अपने पास में रेजिस्टेंट वेराइटी ऑफ मूंग बीन टू येलो मोजेक वायरस एंड पाउडरी मिल्ड्यू, ये अपने पास में बहुत इंपॉर्टेंट है और वहीं से अपने पास में डायरेक्ट लाइन उठाई हुई है, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सब हाइब्रिडाइजेशन से ज्यादातर आपको पता है टेबल के एग्जाम्पल है, वहां से डेवलप की गई है, क्लियर है बच्चों, तो फर्स्ट आंसर अपने पास में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 170, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कमर्शियलिज्म। कमर्शियलिज्म आप जानते हो प्लस और जीरो का रिलेशन है, ठीक है। ऑर्किड एपिफाइट जो किसी ट्री पे ग्रो करते हैं, इनको फायदा होता है और ऑर्किड को कोई नुकसान नहीं होता, प्लस जीरो का रिलेशन है, एक को बेनिफिट है और एक अपने पास में बिल्कुल शांत है, उसको कोई फायदा नहीं है। दूसरा ब्रेंकल्स ऑन द बैक ऑफ व्हील, ये ब्रेंकल्स को फायदा है, व्हील को कोई नुकसान नहीं है। ब्रेंकल जो है व्हील को ट्रेन की तरह यूज करते हैं बच्चों, जहां पर खाना खत्म हो जाता है वहां से वेल पे बैठ जाते हैं और जहाँ खाना होता है वहां उतर जाते हैं, उनका आसानी से ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है, वेल का कुछ नहीं जाता। सकरफिश अटैच विद द अंडर सरफेस ऑफ शार्क, बिल्कुल सही बात है, सकरफिश शार्क के नीचे रहती है, तो शार्क से, शार्क आपको पता है कार्निवेरस है, तो वो उससे कुछ टुकड़े गिरते हैं मांस वगैरह के, उसको अपने पास में वो खा लेती है, कौन, सकरफिश, और वो शार्क के पास में वैसे ही ऑर्गेनिज्म नहीं आएंगे, डेंजर है, तो इसलिए अपने पास में उसको फायदा हो जाता है और उनको कोई बेनिफिट नहीं होता, तो ये हो गया। नेक्स्ट है ए प्रोटोजोवंस लिविंग इन द डाइजेस्टिव ट्रैक एंड फ्लू जो है अपने पास में जो है वो किसके ऊपर, डॉग के ऊपर, ठीक है। तो ये अपने पास में फ्लाई जो जो है डॉग के ऊपर जो ये क्या करती है, उससे फोर्सफुली फूड लेती है, ये पैरासाइट है, तो आंसर ये अपने पास में रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि डॉग को नुकसान होता है, इनको बेनिफिट, तो ये अपने पास में फोर्थ आंसर हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट की बात करते हैं, सेंट्रियोल अंडरगो डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज, डियर सही है, एस फेज में होता है, ऑफ एस फेज किसकी है, इंटरफेज की, ठीक है, एंड बींग टू मूव टूवर्ड अपोजिट द अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल ड्यूरिंग प्रोफेज, प्रोफेज में मूवमेंट करने लग जाते हैं अपोजिट फेज में, ऑफ माइटोसिस, ठीक है, तो ये अपने पास में फर्स्ट आंसर हो गया, ये आपकी डायरेक्ट लाइनें उठाई हुई है। नेक्स्ट की बात करते हैं अपन, तो नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ओजोन इज इनकरेक्ट। ओजोन के रिगार्डिंग आपसे इनकरेक्ट पूछा है, तो बच्चों आपको पता है कि ओजोन जो होती है वो दो टाइप की होती है, एक गुड ओजोन एक बैड ओजोन। तो गुड ओजोन जो हमारे क्या है, ऊपर है स्ट्रेटोस्फेयर में, वो अपने पास में कौन सी ओजोन है, गुड ओजोन, और जो एटमोस्फेयर में है वो अपने पास में कौन सी ओजोन है बच्चों, बैड ओजोन। तो जो स्ट्रेटोस्फेयर में है वो गुड ओजोन और जो अपने पास में एटमोस्फेयर में वो बैड ओजोन। बैड ओजोन क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि ओजोन जो है हीमोग्लोबिन के साथ में बाइंड होकर के एक परमानेंट सब्सटेंस बनाती है, जिससे हीमोग्लोबिन खराब हो जाता है, शायद मेथेनोग्लोबिन वगैरह, तो उसमें अपने पास में ये बैड ओजोन आ जाती है, क्लियर है। आपसे कहा गया गुड ओजोन इज फॉर्म्ड लोअर एटमोस्फेयर, रॉन्ग हो गया स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट कहा गया है द थिकनेस ऑफ ओजोन इज
मेजर इन टर्म ऑफ डॉब्सन यूनिट, बिल्कुल सही बात है भाई, ओजोन डॉब्सन यूनिट में मापी जाती है, ठीक है। थर्ड है अपने पास में रिकॉग्नाइज्ड द इफेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लेशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड नॉन एज द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज साइंड इन मॉन्ट्रियल, कनाडा के अंदर अपने पास में ये साइन किया गया था, मॉन्ट्रियल प्लेस था, और इसका जो मेन जो अपने पास में उद्देश्य था वो ये था कि ओजोन के अपने पास में जो डिप्लेशन के फैक्टर हैं उनको डिक्रीज करना, ठीक है। तो इसलिए अपने पास में फर्स्ट आंसर इसका रॉन्ग हो जाएगा, बाकी सही है, तो आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट है द डबल स्टैंडर्ड डीएनए है 15% ऑफ साइटोसिन द परसेंटेज ऑफ एडेनिन डीएनए विल बी। देखो बेटा चारग्राफ के रूल से अपने पास में एक क्वेश्चन है, नॉर्मल ये बहुत बार पूछा भी जाता है। आपको पता है कि साइटोसिन जो ट्रिपल बॉन्ड द्वारा ग्वानिन से जुड़ता है और एडेनिन डबल बॉन्ड द्वारा किससे जुड़ता है, थाइमिन से। अब ये सारे कंपोनेंट मिलकर के किसी भी डीएनए का 100% पार्ट फॉर्म करते हैं। अगर 15% साइटोसिन है तो 15% ही क्या होगा, ग्वानिन। दैट मीन्स दोनों ने मिलकर के कितने परसेंट बना लिया, 30%। अब 100 में से 30 माइनस करते हैं तो बच गया हिस्सा कितने परसेंट, 70%। 70% में 35% कौन होगा बच्चों, एडेनिन, और 35% कौन होगा, थाइमिन। तो आंसर विल बी फर्स्ट, ठीक है भाई। नेक्स्ट की बात करते हैं अपन, द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ गोल्जी एपरेटर्स। आपको पता है कि गोल्जी एपरेटर्स का मेन जो फंक्शन है वो अपने पास में पैकिंग ऑफ सब्सटेंस हो जाएगा, मटेरियल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं अपन, द फंक्शन ऑफ इंट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन। इंट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन की बात हो रही है बच्चों, क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग जरूर है लेकिन बहुत शानदार है। इंट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन की बात हो रही है, इसका मतलब सेल के अंदर जो मेम्ब्रेन है, और सेल के अंदर मेम्ब्रेन कहाँ है, सेल ऑर्गेनेल पर, कहां पर है, सेल ऑर्गेनेल पर, ठीक है। मेम्ब्रेन इज नॉट, ठीक है, कौन सा वर्क नहीं है या उसका फंक्शन नहीं है। पहला कह रहा है इस्टेब्लिश द ए नंबर ऑफ कंपार्टमेंट विद इन द सेल, ठीक है, बिल्कुल सही बात है भाई, ये कंपार्टमेंट बनाती है सेल के अंदर, ठीक है। प्रोवाइड फॉर द स्पेटियल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एंजाइम एंड पिगमेंट, क्योंकि ये बिल्कुल सही बात है, अपने पास में ये भी अपने पास में फॉर्म करती है, जैसे थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन वगैरह है, ठीक है। प्रोवाइड साइट फॉर अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम, ये भी अपने पास में प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। प्रोवाइड ए सिस्टम ऑफ चैनल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट विद इन द सेल, ये अपने पास में आउटर मेम्ब्रेन का काम होता है, ये सेल मेम्ब्रेन का काम होता है, भाई सेल के अंदर क्या आएगा, न्यूट्रिशन क्या नहीं आएगा, ये कौन डिसाइड करेगी, ये सेल मेम्ब्रेन डिसाइड करेगी, और हम किसकी बात कर रहे हैं, इंट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन की, तो फोर्थ अपने पास में आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ड्यूरिंग मियोसिस इन सोमेटिक सेल। सोमेटिक सेल दैट मीन्स सोमेटिक सेल में कभी भी मियोसिस नहीं होता, यहाँ क्या होता है बेटा, माइटोसिस। तो आपको वो कैरेक्टर यहाँ से उठाना है जो मियोसिस का है, तो अपने पास में सिनेप्सिस जो है क्रॉसिंग ओवर के टाइम होता है, ये किसका कैरेक्टर है अपने पास में, किसका कैरेक्टर है, माइटोसिस का, तो इसलिए अपने मियोसिस का कैरेक्टर है, इसलिए अपने पास में आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट में देखेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड ट्रू फॉर व्हिटेकर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है बच्चों, व्हिटेकर के फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में ट्रू अपने को छाटना है, तो आप सिंपल सी बात देखेगा, व्हिटेकर के क्लासिफिकेशन में इसमें क्वेश्चन को आपको डायरेक्ट नहीं दे करके थोड़ा सा अपने जूलॉजी का भी इसमें मिक्स किया गया है, तो अब देखिएगा इसमें क्या मिक्स किया गया है। आपको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आपने पढ़ा होगा, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल, टिश्यू से अपने पास में ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, तो इस तरह से अपने पास में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन होता है। तो बच्चों देखो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, आपको पता है सिंपलेस्ट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किसमें होगा, मोनेरा में होगा, फिर मोनेरा से हम प्लांटी तक जाएंगे तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता जाएगा, कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, ठीक है। सेल स्ट्रक्चर, सेल ऑर्गेनाइजेशन, मोनेरा की सेल प्रोकैरियोट सेल है जो सिंपलेस्ट है, और यूकैरियोट सेल है जो अपने पास में क्या होगी, कॉम्प्लेक्स, तो वो भी इंक्रीज होता जाएगा। अब कह रहा है सेल स्ट्रक्चर इज मोर कॉम्प्लेक्स इन किंगडम मोनेरा, बिल्कुल गलत हो गया,
ठीक है, कंपेयर टू प्रोटिस्टा, नहीं प्रोटिस्टा में मोर कॉम्प्लेक्स होगी क्योंकि वो यूकैरियोट सेल है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटिस्टन इज मोर कॉम्प्लिकेटेड एज कंपेयर्ड फंजाई, नहीं प्रोटिस्टा में टिश्यू लेवल अपने पास में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, सेलुलर लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, सेलुलर लेवल और इसमें टिश्यू लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है डियर, इसलिए ये भी रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट है, मेंबर ऑफ प्लांटी एनिमेलिया एंड फंजाई हैव डिफरेंट इकोलॉजिकल रोल ड्यू टू डिफरेंट इन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है भाई। आप सेप्रोफाइटिक हो तो आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन सेप्रोफाइटिक हो गया तो आप इकोलॉजिकल अलग रोल प्ले करोगे, हेटरोट्रॉप्स हो तो आप प्रीडिएशन करोगे, आप अलग रोल प्ले करोगे, आप ऑटोट्रॉप्स हो तो आप अलग रोल प्ले करोगे, आप एनर्जी को कन्वर्ट करने का काम करोगे। हर ऑर्गेनिज्म का मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिफरेंट होने के कारण से रोल भी अपने पास में इकोलॉजी में क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। क्लियर हो गया, नेक्स्ट की बात करते हैं, तो आंसर विल बी थर्ड, करेक्ट पूछा है आपसे तो करेक्ट जो है वो अपने पास में क्या हो जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट में देखिएगा बच्चों, स्टेटमेंट फर्स्ट आपको दे रखा है, अमीनो एसिड आर एम्फेटोरिक इन देयर फंक्शन, बिल्कुल सही बात है, एम्फेटोरिक जिस पर अपने पास में दोनों चार्ज हो वो वाला, और अपने पास में ऑल अमीनो एसिड आर एसेंशियल ओवर बॉडी, पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि आप जानते हो कि 20 अमीनो एसिड है, 10 एसेंशियल और 10 नॉन एसेंशियल, दैट मीन्स स्टेटमेंट फर्स्ट अपने पास में करेक्ट है और सेकेंड अपने पास में क्या है, रॉन्ग है। ठीक है भाई, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, Which of the following is true for dicot stem? Dicot stem की बात कर रहा है बच्चों, ठीक है, तो पहला बात कर रहा है, Caspin strips are present on radial wall of endodermal cell, ठीक है, स्टेम में बात कर रहा है ये, और स्टेम की एंडोडर्मिस की बात कर रहा है, स्टेम की एंडोडर्मिस में थोड़ी होती है Caspin, ये तो अपने पास में किसमें होती है, रूट की एंडोडर्मिस में होती है, दैट मीन्स रॉन्ग स्टेटमेंट। वैस्कुलर बंडल आर कॉन्जॉइंट, कॉन्जॉइंट का मतलब अपने पास में जुड़े हुए, कोलेट्रल अपने पास में बिल्कुल सही बात है, कोलेट्रल जाइलम और फ्लोएम ऐसे, और अपने पास में एंड ओपन, ओपन होते हैं बिल्कुल, इसमें कैम्बियम प्रेजेंट होती है, और कैम्बियम नहीं होती तो बेटा क्या होते हैं, क्लोज्ड, और कैम्बियम है तो ये क्या करेंगे, सेकेंडरी ग्रोथ करेंगे। क्लियर है, तो इसका मतलब ये स्टेम अपने पास में सही है। ठीक है, स्टेम हेयर आर यूनिसेलुलर, रूट हेयर यूनिसेलुलर होते हैं डियर, स्टेम हेयर जनरली मल्टीसेलुलर होते हैं, कभी कभार अपने पास में यूनिसेलुलर आते हैं। ठीक है, पिथ अपने पास में क्या होती है, एब्सेंट, बिल्कुल सही बात है, पिथ अपने पास में इसमें क्या होती है, एब्सेंट होती है, तो आंसर विल बी सेकंड। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अब, 180, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज कंट्रोल बाय द एक्टिविटी ऑफ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपको पता है कि गार्ड सेल जो होती है वो अपने पास में क्या करती है बेटा, स्टोमेटा को ओपनिंग और क्लोजिंग का काम करती है। मोनोकोट में गार्ड सेल जो है वो डंबल शेप है, और अपने पास में इसमें जो है वो गार्ड सेल कैसी होंगी बेटा, डाइकोट में जो गार्ड सेल है वो कैसी होंगी, बीन शेप्ड होंगी। ठीक है, तो ये अपने पास में हो गया। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, 181 की, द केमी ऑस्मोटिक कपलिंग हाइपोथेसिस ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन प्रपोज्ड दैट एटीपी इज फॉर्म्ड बिकॉज, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस एक ही बात बोलती है कि जहां कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है वहां पर क्या बनेगा बेटा, एटीपी बनेगा। आप ये एक मेम्ब्रेन मान लो, कोई भी मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन में एटीपी सिंथेटेज एंजाइम है। ठीक है, तो अपने पास में इस एंजाइम से होकर के हाइड्रोजन जाएंगे, जब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगी बाहर लो अंदर हाई, और क्या बना करके जाएंगे डियर, एटीपी फॉर्म करके जाएंगे। ये मेम्ब्रेन अगर थाइलेकोइड मेम्ब्रेन है तो एटीपी अपने पास में कहां पर, वो सॉरी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट किसके अक्रॉस प्रोड्यूस होगी, थाइलेकोइड के। और ये मेम्ब्रेन अगर माइट्रो ऑक्सीडेटिव की बात कर रहा है, अगर फोटो करता तो थाइलेकोइड पर चले जाते, ऑक्सीडेटिव की बात कर रहा है दैट मीन्स माइट्रोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन, तो माइट्रोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है और पेरी माइट्रोकॉन्ड्रियल स्पेस है, उसके बीच में अपने पास में क्या होगी, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट प्रोड्यूस होगी, तो ए प्रोटोन ग्रेडियंट फॉर्म अक्रॉस द इनर मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही बात है, बिटवीन आता
तो इनर मेम्ब्रेन प्लस पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बिटवीन आता दो, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट है आपसे पूछा है, दो क्वेश्चन तीन स्टेटमेंट और डिस्कस कर लेते हैं। देयर इज चेंज इन द परमेबिलिटी ऑफ द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन टूवर्ड एटीपी, नहीं भाई, ठीक है, परमेबिलिटी का कोई लेना देना ही नहीं है। हाई एनर्जी बॉन्ड आर फॉर्म्ड इन माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन, नहीं, इससे भी कोई मतलब नहीं है। तो फर्स्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट की बात करते हैं, जिब्रेलिन आर इन्वॉल्व इन, जिब्रेलिन आपको पता है एक हार्मोन है, और जिब्रेलिन आपको पता है कि साइज बढ़ाने का काम करता है, तो चाहे इंक्रीज एक्सिस की साइज हो या अपने पास में फ्रूट जो सेब वगैरह है उनकी साइज बढ़ाने का काम करता है, तो बोथ द अबव आ जाएगा 182 में। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, 183, हाउ मैनी हैप्लोइड न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन ए मैच्योर पोलन ग्रेन इन मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म। डियर एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कि मैक्सिमम एंजियोस्पर्म के पोलिनेशन होते टाइम या मैच्योर पोलिनेशन टू सेल टू न्यूक्लियर स्टेज में ही अपने पास में होता है। अब जब अपने पास में मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है, ध्यान से सुनना, जब मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है तो थ्री न्यूक्लियेटेड स्टेज बनती है ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, लेकिन जब तक पोलन ग्रेन मैच्योर है तब तक वो अपने पास में किस में रहेगा, कितने मेल न्यूक्लियाई या कितने न्यूक्लियाई रखेगा, टू न्यूक्लियाई रखेगा, तो आंसर विल बी सेकंड। नेक्स्ट आ जाओ, एपोमिक्सिस, बहुत अच्छा है, एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है, कुछ भी चेंजेस इसमें किया गया नहीं है। एपोमिक्सिस की डेफिनेशन से क्वेश्चन है, एपोमिक्सिस इज फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट सिनगेमी एंड मियोसिस, मतलब मिमिक ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी नहीं कर रहे लेकिन उसकी तरह का प्रोडक्ट भी ले रहे हैं, तो वो अपने पास में क्या कहलाएगा, एपोमिक्सिस। नेक्स्ट है, द इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर ऑफ जीन इज, देखो बेटा जीन क्या है, अपने पास में हम क्या कहते हैं, डीएनए का अपने पास में वो सेगमेंट जो अपने पास में क्या करेगा, प्रोटीन बनाएगा और किसी कैरेक्टर को डिसाइड करेगा, वो क्या कहलाता है, जीन कहलाता है। और उस सेगमेंट को अपन किसके नाम से जानते हैं, सिस्ट्रॉन के नाम से जानते हैं, दैट मीन्स आंसर विल बी सेकंड। तो ये तो हमारे पास में बच्चों जो क्वेश्चन थे वो फर्स्ट वाले सेक्शन के हुए। आपको पता है मैंने पहले ही बताया था कि नीट पैटर्न पर ये अपना मेजर है, और इसमें अपने पास में सेक्शन ए है उसके अंदर 35 क्वेश्चन है और 15 क्वेश्चन जो है वो अपने पास में सेक्शन बी में है। अब हम स्टार्ट करेंगे डियर सेक्शन बी। तो सेक्शन बी के अंदर देखिएगा कि सेक्शन बी की बात अपने पास में क्या होती है। तो सेक्शन बी के अंदर हम आगे स्टार्ट करते हैं, तो देखिएगा द इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रक्चरल जीन इज, ठीक है, ये तो अपने पास में हो ही गया। नेक्स्ट की अपन आएंगे अब, तो इसमें देखिएगा सेक्शन बी में वही सेम पैटर्न है क्वेश्चन आपको। अब इसमें से कोई आपको 10 क्वेश्चन करने हैं आउट ऑफ 15 में से, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, ऑन जर्मिनेशन मोसेज स्पोर प्रोड्यूस, आपको पता है स्पोर कहां से प्रोड्यूस होते हैं, स्पोरोफाइट से, स्पोरोफाइट बाई मियोसिस क्या करेगा डियर, स्पोर प्रोड्यूस करेगा। स्पोर कैसे हैं, हैप्लोइड, क्या बनाएंगे, गैमेटोफाइट। मोसेज का गैमेटोफाइट अपने पास में क्या कहलाता है, प्रोटोनीमा, क्या कहलाता है अपने पास में, प्रोटोनीमा। और फिर प्रोटोनीमा में अपने पास में क्या होता है, प्रोटोनीमा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और अपने पास में बाई बडिंग वो क्या बनाता है, लीफली गैमेटोफाइट, ठीक है, ये लाइफ साइकिल होता है। तो क्या प्रोड्यूस करेगा, प्रोटोनिमा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से। नेक्स्ट की बात करते हैं, पिक द रोंग स्टेटमेंट, आपको रोंग स्टेटमेंट इसमें लेना है, सारे स्टेटमेंट एनसीईआरटी से हैं। पहला स्टेटमेंट है, इवोल्यूशनरी टेरिडोफाइट्स आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू पास जाइलम एंड फ्लोएम, बिल्कुल सही बात है, और बहुत सिंपल जाइलम फ्लोएम थे। जाइलम में क्या क्या थे, एक तो अपने पास में जो थी ट्रैकिट्स थी जो अपने पास में प्रेजेंट थी, और फ्लोएम में एल्ब्यूमिन सेल और अपने पास में सीव सेल थी, ठीक है।
दूसरा है फियोफाइसी मेंबर पॉसेज क्लोरोफिल ए सी कैरेटिनोइड एंड जेंथोफिल, ये भी सही बात है, ठीक है कि भाई अपने पास में ए सी और जेंथोफिल जो है वो होते हैं, और फियोफाइसी में जेंथोफिल होता है वो कौन सा होता है, फ्यूकोजेंथिन होता है, उसके कारण उसका कलर कैसा होता है, डियर ब्राउन कलर होता है। नेक्स्ट है डबल फर्टिलाइजेशन इज यूनिक टू जिम्नोस्पर्म एंड मोनोकोट, गलत बात है, जिम्नोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन कभी भी आपको सीन नहीं होगा, डबल फर्टिलाइजेशन इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ किसका है बेटा, एंजियोस्पर्म, डाइकोट एंड मोनोकोट, तो ये रॉन्ग हो गया। आगे मॉस इज द गैमेटोफाइट, मॉस इज ए गैमेटोफाइट विच कंसिस्ट ऑफ टू स्टेज नेमली प्रोटीनिमा एंड लीफली स्टेज, मैंने आपको बताया था कि बाई बडिंग ये अपने पास में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा किसमें चेंज हो जाता है, लीफली गैमेटोफाइट में, क्लियर हो गया, तो ये अपने पास में आंसर विल बी थर्ड। क्वेश्चन नंबर 188, कैस्परिन थिकिंग आर फाउंड इन द सेल ऑफ, बेटा एंडोडर्मिस में होती है, आपको पता है कि एंडोडर्मिस में अपने पास में कैस्परिन जो होती है वो अपने पास में स्ट्रिप्ट है ये पाई जाती है, इसमें क्या हो जाता है सुबेरिन का अपने पास में डिपोजिशन हो जाता है, जिन स्थानों पर नहीं होता है उसे पासेज सेल बोलते हैं, और पासेज सेल के सामने कौन होता है, जाइलम होता है, जिससे कि वाटर उसमें ट्रांसफर हो जाता है। और यहाँ पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन भी बनता है कि वाटर का यहाँ पर जो पाथवे होगा वो कौन सा होगा बेटा, सिम्प्लास्ट होगा, बाकी इससे पहले एपोप्लास्ट या सिम्प्लास्ट कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, सिम्प्लास्ट, तो ये क्या हो गया, एंडोडर्मिस ऑफ रूट, ठीक है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डज द स्टेम परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज एंड पेरिनेशन, भाई अपने पास में वीट है, फ्रूट है, रेडिस है, रूट है, ग्राउंड नट है, फ्रूट है, और गिंकर है, जो अपने पास में क्या है, एक स्टेम का मॉडिफिकेशन है। नेक्स्ट की बात करते हैं अपन, राउल्फिया वोमिटेरिया ग्रोइंग इन डिफरेंट रेंज ऑफ हिमालय सो डिफरेंस इन द पोटेंसी एंड कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव केमिकल रेसरप्रिन, ठीक है, रेसरप्रिन ड्यू टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो इसमें आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी गई है, डायरेक्ट लाइन है एनसीईआरटी की, बहुत बार क्वेश्चन चेंज होकर भी आ जाएगा कि हिमालय में कौन सा मिलता है या इसमें मिलने वाले सब्सटेंस का क्या नाम है, तो इसमें जो डाइवर्सिटी होती है बेटा वो जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है, और जेनेटिक डाइवर्सिटी की वजह से अपने पास में उसके सब्सटेंस में क्या होती है, भिन्नता होती है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग एनाफेज स्टेज ऑफ सेल डिविजन, प्यारे बच्चों सिंपल सी बात है, एनाफेज स्टेज की बात कर रहा है, एनाफेज स्टेज आपको पता है कि दो तरह से आती है, एक तो माइटोसिस में आएगी और किस में आएगी, मियोसिस में, तो इट कुड बी स्टेज इन बोथ माइटोटिक एंड मियोटिक सेल डिविजन, आती है भाई सही बात है, इन मियोसिस फर्स्ट होमोलोगस क्रोमोसोम आर सेपरेट वाइल इन माइटोसिस सेंट्रोमियर आर सेपरेटेड, बिल्कुल सही बात है, हम बात कर रहे हैं बच्चों माइटोसिस की, और माइटोसिस के साथ साथ अपन किसकी बात कर रहे हैं, माइटोसिस के साथ साथ हम मियोसिस सेकंड की बात कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों में सेम होता है, इनमें क्या होता है कि ये क्रोमोसोम है हमारे पास में, जिसमें अपने पास में दो क्या है, ये आर्म है बायवेलेंट, तो यहां से ये सेपरेट होता है सेंट्रोमियर से, और ऐसा क्रोमोसोम बन जाता है, क्लियर है। अब हम बात कर रहे हैं मियोसिस फर्स्ट की, तो मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है डियर, ऐसा होता है बायवेलेंट टेट्राड की फॉर्म में, यहां से सेपरेट होता है, ठीक है, तो होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, और अपन वहां बोलते भी है कि ये एक्चुअल रिडक्शन फेज है एनाफेज फर्स्ट, ठीक है, क्योंकि वहां पर क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, तो ये भी अपने पास में करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। आगे क्रोमोसोम आर सिंगल स्टैंडर्ड एट दिस स्टेज, बिल्कुल रॉन्ग हो गया, तो अपने पास में आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट की बात करते हैं बच्चों, 192 डिप्लोंटिक लाइफ साइकिल, डिप्लोंटिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल इज सीन इज, एनसीईआरटी के एग्जांपल हैं फ्यूकस और जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में तो अपने पास में डिप्लोंटिक लाइफ साइकिल होता ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन फ्यूकस इसका क्या आता है, एक्सेप्शन आता है, तो आंसर विल बी सेकंड, ठीक है बच्चों, एनसीईआरटी का एग्जांपल है।
नेक्स्ट की बात करते हैं। गिवन बिलो इज सिंप्लीफाइड मॉडल ऑफ फॉस्फोर साइकिल इन ए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम विद फोर ब्लैंक्स, आइडेंटिफाई द ब्लैंक्स। ठीक है बेटा, सिंपल सी बात है, आपको दिया गया डायग्राम फॉस्फोरस साइकिल का है। अब आपको ये आइडेंटिफाइड करना है कि कौन क्या है, और ये बिल्कुल आप एनसीईआरटी उठा करके देखोगे तो आपको डायग्राम में मिल जाएगा। आपको पता है कि अपने पास में जो यहाँ रोक से अपने पास में क्या होता है, सोयल सॉल्यूशन में आते हैं, ठीक है, कंज्यूमर से अपने पास में डेट्राइटस बनता है, और डेट्राइटस के बाद में सी वाला है ये प्रोड्यूसर है, ये यहाँ से गेन करता है। तो आंसर विल बी 3। डायरेक्ट एनसीईआरटी का डायग्राम आप देख सकते हो। आप नेक्स्ट की बात करते हैं अपन। द एंड ऑफ फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल आर स्टिकी ड्यू टू, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की लाइन है डायरेक्ट। ठीक है, बहुत अच्छा इसलिए है क्योंकि इस क्वेश्चन को मैं अभी दो तरीके से आपको बताता हूं कंफ्यूजन कैसे होता है। तो अपने पास में आंसर भाई इसमें पूछा है कि स्टिकी फ्रेगमेंट है ड्यू टू किसके कारण, ठीक है, किसके कारण। तो अपने पास में जो स्टिकी फ्रेगमेंट आ रहे हैं वो किसके कारण बन रहे हैं, या तो अगर पूछा जाता कि किसके कारण बन रहे हैं फॉर्म ड्यू टू, तो फॉर्म ड्यू टू आता तो क्वेश्चन ही चेंज हो जाता। ठीक है, इसमें पूछा है ड्यू टू, तो इसका मतलब अनपेयर्ड बेस। भाई अपने पास में इधर अनपेयर्ड बेस है और इधर अनपेयर्ड बेस के सामने कोई आएगा तो ये पेयर्ड हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएंगे, स्टिकी। जब अनपेयर्ड बेस है तो स्टिकी। और अगर मान लो कि आपसे पूछा जाता है बेटा क्वेश्चन में, तो ये तो आंसर तो हो गया, अगर आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया जाता, आपसे कहा जाता डीएनए मॉलिक्यूल आर स्टिकी एंड फॉर्म ड्यू टू, तो फॉर्म ड्यू टू कौन आ जाता, एंडोन्यूक्लियज, रेस्ट्रिकेशन एंडोन्यूक्लियज, जो अपने पास में कौन सी ऑब्लिक साइट प्रोड्यूस करते हैं, तो उसमें पूरा आंसर आता फॉर्म ड्यू टू ऑब्लिक साइट कटेड रेस्ट्रिकेशन एंडोन्यूक्लियज, तो इसका आंसर ये हो गगया। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। स्टडी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड सेलेक्ट करेक्ट वन, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में पूछ रहा है, एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से भी जिक्र किया हुआ है और आपको पता भी है कि अपने पास में ऑर्गेनिक फार्मर क्या चाहता है कि नेचर को कम से कम नुकसान पहुंचे, इसलिए वो अपने पास में बीटी का भी यूज नहीं करता क्योंकि इकोसिस्टम इम्बेलेंस होता है, पेस्टिसाइड का तो बिल्कुल यूज नहीं करता है। ठीक है, तो वो किसका यूज करता है, वो यूज करता है कंपोस्ट और बायोफर्टिलाइजर का, जिससे इकोसिस्टम भी क्या रहे, मेंटेन रहे। ठीक है भाई, तो इसका आंसर जो होगा वो सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 आपको क्या कह रहा है, तो देखिएगा, विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ जाइगोमॉर्फिक फ्लावर विद डाइड एडल्फस स्टेमन एंड मार्जिनल प्लेसेंटेशन। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का पॉइंट है। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर आपको पता है कि पी फैमिली में ऐसा फ्लावर होता है जिसे एक से कट कर सकते हैं, तो इसका मतलब आंसर थर्ड। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ फॉर लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम आप एनाटोमी पढ़ोगे वहां पर बिल्कुल एग्जाम्पल दे रखा है, जो लेटरल पोजिशन पर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, लेटरल मेरिस्टेम कहलाते हैं, और एग्जाम्पल कौन आ जाएगा, फेसिकुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। क्लियर है, ये सेकेंडरी मेरिस्टेम भी है और अपने पास में क्या है, लेटरल मेरिस्टेम भी है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, तो देखिएगा, रूट मॉडिफिकेशन अकर फॉर, ठीक है, रूट का मॉडिफिकेशन किसके लिए होता है, तो आप क्या कहोगे बेटा, रूट का मॉडिफिकेशन अपने पास में क्या होता है, हम कहते हैं कि सपोर्ट प्रोवाइडिंग रूट होती है जैसे बनियन वगैरह में, और हम कह सकते हैं फूड स्टोरेज रेडिस वगैरह में, दैट मीन्स अपने पास में दोनों के लिए। ये गलत हो गया, अगर ओनली फोटोसिंथेसिस नहीं लिख करके फोटोसिंथेसिस लिख देता तो कोई दिक्कत नहीं होती, ये भी उसमें इंक्लूड हो जाता, ओनली फोटोसिंथेसिस नहीं होती, फोटोसिंथेटिक रूट इज प्रेजेंट इन ट्रापा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम 98 के बाद में, 99 की। द रीजन ऑफ डीएनए सीक्वेंस दैट प्रोवाइड बाइंडिंग साइट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज इज, देखो बेटा आरएनए पॉलीमरेज कहां से पहचान करता है कि उसको अपने पास में ट्रांसक्रिप्शन करना है, तो वो करता है प्रीमोटर साइट से, तो प्रोमोटर साइट जो है अपने पास में दैट इज बाइंडिंग साइट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। स्ट्रक्चरल का क्या होगा बेटा, कॉपी होगा, एमआरएनए बनेगा, टर्मिनेटर पर जाकर के क्या होगा, एंड होगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, सेल्फ इनकॉम्प्लीबिलिटी इज द,
सेल्फ इनकॉम्पलेबिलिटी का मतलब क्या है डियर? आपको पता है कि ये अपने पास में एक ओवरी है, इस पर एस वन अपने पास में जीन है, तो इसमें एस वन जीन का पोलन ग्रेन कभी भी डेवलप नहीं होगा। दैट मीन्स अपने पास में सिंपल सी बात है सेल्फ इनकॉम्पलेबिलिटी की, कि सेम इस जो प्लांट है उसका फ्लावर का जो पोलन ग्रेन है वो सेम स्टिग्मा पर जर्मिनेट नहीं कर सकता। तो ये क्या करती है, इनहिबिट द पोलन जर्मिनेशन ऑन द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर ऑफ अदर स्पीसीज। अदर स्पीसीज से कोई लेना देना नहीं है। इनहिबिट ऑफ पोलन जर्मिनेशन ऑन स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, ठीक है, बिल्कुल सही है, अभी बताया आपको, ठीक है। मैचुरेशन ऑफ एंथर इसका मतलब नहीं है, जर्मिनेशन ऑफ पोलन इसका भी कोई मतलब नहीं है, आंसर विल बी सेकेंड, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास में फुल सिलेबस का एक मेजर टेस्ट आपका हुआ। मेरे हिसाब से एक लाइन तक एनसीईआरटी से बाहर नहीं है, फिर भी अपने पास में जो है वो भी आपको इंफॉर्मेटिव लाइन दी गई है, इसलिए अपने पास में बहुत बेहतरीन तरीके से आप टेस्ट दे के आए होंगे। जो डाउट है उसका वीडियो सॉल्यूशन देख करके आपने क्लियर किया होगा। नीट के लिए बेस्ट ऑफ लक। सीएलसी यूट्यूब चैनल पर अपना जो है वो सिलेबस लास्ट में सॉल्यूशन अपलोड कर दिया जाता है, तो जरूर देखिएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट चैप्टर के लिए या नेक्स्ट जो डीसीएम है उसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक।